मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वाइस अपेक्स सर्विसमैन सोसाइटी। हम सभी सिपाही रैंक से लेकर ऑनरी कप्तान रैंक तक के पूर्व सैनिक 12 मार्च 2023 को जंतर मंतर न्यू दिल्ली से आंदोलन नहीं क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें देश के सभी क्षेत्रों से पूर्व सैनिक भाग लेंगे। मैं दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए आपसे कुछ आग्रह भी करूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अगर ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पे, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज जो जेशुंशुवार ऑनरी कप्तानों के दिलों में जो आग जल रही है, जो आक्रोश है, इसका प्रदर्शन हम लोग 12 मार्च 2023 को करेंगे। और उस दिन जो ये क्रांति की शुरुआत होगी, वो क्रांति गांव, शहर, हर जगह पहुंचेगी जहां पूर्व सैनिक रह रहे हैं। और ये तब तक नहीं बुझेगी, या क्रोध तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक कि सभी तरह के भेदभाव समाप्त नहीं होते। आज आजादी के 75 साल हो गए, आज भी हमें संवैधानिक स्वयंहक नहीं मिला है। हमारे साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार होता है, हमारी अधिकारों को सप्रेस्ट किया जाता है। ORP 2 में हमारे साथ जबरदस्त भेदभाव किया गया, ये भेदभाव ORP 1 में भी था, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने गुस्सा दिखाया था। लेकिन इस समय गुस्सा ज्यादा है, उस समय ज्यादा लोग नहीं दिखा पाए थे, लेकिन वो जो दर्द है, वो जो टीस है, वो अब घाव बढ़ते बढ़ते बढ़ गई है, अब वो बाहर निकल गई है। तो मेरी गवर्नमेंट से आग्रह है कि हमने समस्या के समाधान की दिशा में आपको 10 फरवरी 2022 को मेमोरेंडम दिया था, उसमें सब कुछ है। उसमें ये सब कुछ है कि कैसे हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे हमारे फाइनेंशियल राइट्स को अब सप्रेस्ट किया गया ताकि हमारी पे न बढ़े, पेंशन न बढ़े। लेकिन अब हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हमें हमारा संविधानिक हक चाहिए, हम इस देश के नागरिक हैं। हमने अपने पूर्व सैनिक भाइयों को बताना चाहते हैं कि समाधान की दिशा में जो सबसे पहला है वो है मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे। ये सैन्य जीवन की कठिनाई को केवज में मुआवजा है, मुआवजा है, मुआवजा ये स्टेटस नहीं है, मुआवजा बराबर होता है, मुआवजों में अंतर नहीं होता कि आपको मुआवजा ज्यादा मिलेगा, मेरे को मुआवजा ज्यादा मिलेगा, आपको कठिनाई ज्यादा, मेरे को कठिनाई कम है। ये मुआवजा का जो पैरामीटर है वो रैंक आधारित नहीं होता, ना होगा। बहुत सारे हमने तर्क दिए हैं 2013 से लड़ते लड़ते, कोर्ट में भी लड़े हैं, कोर्ट में लड़ने के बाद आज फाइनल हियरिंग चल रही है। उम्मीद है कि हम इस हर्डल को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन आपको सबको, हम लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को सहयोग करना पड़ेगा। दूसरा है रैंक वेटेज के साथ, इसमें वकीलों से बात चल रही है, उसके लिए भी हम लोग कोर्ट जाएंगे, आंदोलन भी जारी रहेगा, कोर्ट भी जाएंगे। दूसरा है एवरेज पे फिक्सेशन ना होगा, मैक्सिमम पे फिक्सेशन, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज नहीं, हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मैक्सिमम मिलता था, और मिनिमम गारंटी पेंशन डिसेबिलिटी का भी हो, और मिनिमम गारंटी पेंशन का भी हो, नॉर्मल पेंशन। वो सारे इशू हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा है, आप लोग देख लीजिए, उसमें एक कॉपी में शॉर्ट किया है, उसको प्रिंट आउट कीजिए और पीएम और आरएम को भेजिए, ये भी वो दबाव बनेगा, इससे उनके ऊपर दबाव बनेगा। दूसरा, मैं जो आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि 12 मार्च 2023 से पहले इस देश में जितनी भी संस्थाएं काम कर रही है, जिसका नेतृत्व अफसर के हाथ में है, उससे आप निकलिए और वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का हाथ मजबूत करिए, हमसे जुड़िए। हमसे नहीं जुड़ सकते, अपना अलहदा अलग संगठन बनाइए, JCONSUR से नेतृत्व को उभारिए, लीडरशिप इस वर्ग से उठाइए। आपके संगठन में कोई अधिकारी हैं या आपने शोपीस के लिए भी बना रखा हो, उनको बाहर निकालिए। यह आंदोलन प्योर सिर्फ और सिर्फ सिपाही रैंक से लेकर ऑनरी कप्तान रैंक तक होगा। यह आवाज सरकार के कानों में भी गूंजनी चाहिए, सैन्य हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारियों के भी कान में गूंजनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को गलत सलाह देते हैं। मैं गवर्नमेंट से ज्यादा दोषी
इन बर को मानता हूं जो सर्विस हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, हमारी पर कतर रहे हैं। आज से नहीं, थर्ड पे कमीशन में कतरा, फिफ्थ में कतरा, सिक्स में कतरा, सेवन में कतरा, और आप दोष दे देते हो आईएएस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। आपकी बात को गवर्नमेंट मान लेती है, आईएएस आपकी बात को मान लेती है। आपके आपको हमारे साथ वन जस्टिस का ख्याल नहीं है, और मेजर जनरल की पेंशन बढ़ाने के लिए पर्सनल पे भी मांग रहे हो अलग से। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट हमसे बात नहीं करती। हमारे स्टेक होल्डर, उन्होंने गलत लोगों को चुन रखा है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे। और सबसे आग्रह है भारत के कोने कोने में मौजूद शनिवार से 12 मार्च 2023 को दिल्ली पहुंचिए, हम लोग रहने की व्यवस्था करेंगे। जय हिंद, जय भारत।